D20 सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज इस सीरीज का हमारा है दूसरा दिन और आज हम बनाएंगे कैंडल कैरसल। कैंडल कैरसल जर्मन परिवारों का एक बहुत ही प्रसिद्ध डेकोरेटिव सामान है। जर्मन लोग अपने घरों में इसे कुछ इस तरीके से सजा के रखते हैं और इसे कैंडल पिरामिड भी कहते हैं। कैंडल कैरसल बनाने के लिए आपको ये टेम्पलेट, कबाब स्टिक, ग्लू, सीजर, क्ले और कैंडल्स चाहिए। टेम्पलेट को आप हार्ड पेपर पे प्रिंट कर लीजिए या फिर कोई हार्ड पेपर लेके उस प्रिंट को उस पे चिपका दीजिए। टेम्पलेट को चिपकाने के बाद बाकी हिस्सा आप कट कर लीजिए। सॉलिड लाइनों को कट करें और डॉटेड लाइन है उनको फोल्ड करें। डॉटेड लाइन के अलोंग लगभग 30 डिग्री जितना मोड़ ले। इसकी दूसरी साइड स्ट्रो का एक टुकड़ा चिपका दे और अब इसे हम कबाब स्टिक के ऊपर रखेंगे और इसके नीचे कैंडल्स लगाएंगे और ये आपका पंखा घूमने लग गया। कैंडल पिरामिड को अलग अलग रंगों से रंग के उसके ऊपर कुछ फोटोज चिपका के उसे कुछ हम इस तरीके से सजा लेंगे। कैंडल पिरामिड में पंखे को घुमाने के लिए कैंडल से निकली ऊष्मा का उपयोग होता है। मोमबत्ती की लौ मोमबत्ती के ऊपर की हवा को गर्म करती है और ये मोमबत्ती के ठीक ऊपर की हवा को उसके चारों ओर की ठंडी हवा से ऊपर उठा देती है। ये ऊपर उठी हुई गर्म हवा ऊपर के ब्लेड को ऊपर की ओर धक्का देती है, क्योंकि ब्लेड झुके हुए है। इस धक्के के कारण ब्लेड ऊपर उठती गर्म हवा ब्लेड पर बल लगाती है, जिसके कारण पंखा घूमने लगता है। कैंडल पिरामिड के पंखे के घूमने की गति दो चीज़ों पर निर्भर करती है। पहला, उसका पंखा आग के लपटों के कितने करीब है और दूसरा, पंखे के ब्लेड किस कोण पे झुके हुए हैं। किसी भी हानि से बचने के लिए कैंडल पिरामिड के पंखों की आग के लपटों से दूरी आवश्यक है। पंखे के ब्लेड्स को अलग अलग कोण पे मोड़ के पंखे की गति को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो इस दिवाली आप सभी अपने अपने कैंडल पिरामिड बनाएं, अपने घरों को सजाएं और इसके पंखे को अलग अलग कोण पे मोड़ के इसे तेज़ी से घुमाएं। जाते जाते हम आपसे एक सवाल पूछना चाहेंगे, हमारे कैंडल पिरामिड में ऊष्मा से उत्पन्न इस बल को लिफ्ट क्यों कहेंगे? हमारा पंखा तो दाएं बाएं घूम रहा है लेकिन लिफ्ट फोर्स तो ऊपर की ओर लगता है।